वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ एक्सप्लोर सरदारिज्म। मैं हूं हरमीत। आज है संडे यानी सर्विस का दिन। सर्विस मेरी नहीं, गाड़ी जिसने मेरा साथ हर ट्रिप पे दिया। हर मेरे जैसे हर बंदे हैं जिनको हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या हम कंपनी से सर्विस कराएं या हम बाहर से कराएं, क्योंकि मेरी गाड़ी को तो हो गए हैं 2 साल, वारंटी इसकी हो गई एक्सपायर और इसकी जो कंपनी पेड सर्विस वो सब खत्म हो चुका है। और कंपनी से सर्विस कराने के लिए मुझे यहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास तो मेरे यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है टाटा। तो मुझे लगता है कि मैं लोकल मैकेनिक को चूज कर सकता हूँ, मगर आज की डेट में वो मैकेनिक जैसे सर्विस एप्स हैं जो मुझे बहुत फ्रेंडली भी लगा कि आप अपने हिसाब से, आप अपने सर्विस कॉस्ट के हिसाब से आप सर्विस प्लान चूज कर सकते हो और डे और टाइम चूज करके आप बुक कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने गो मैकेनिक की सर्विस ऐप से लॉग इन करके मैंने आज का स्केड्यूल बुक किया है। और मेरा सर्विस चार्ज जो मैंने लिया है इस वक्त बेसिक प्लान लिया है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितना सही सर्विस करते हैं कि नहीं। तो मेरा सर्विस कॉस्ट कुछ 3700 का पड़ रहा है मुझे विद सेमी ऑटोमेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो ये मैंने आज का लिया है। तो चलिए जल के देखते हैं कैसे होती है सर्विस, क्या क्या होता है, मिलते हैं हम उनके ओनर से भी और बताते हैं कि क्यों गो मैकेनिक बेटर है लोकल मैकेनिक से और क्या हमें इनसे कराना चाहिए और ना कि ये कंपनी से। तो बने रहिए मेरे साथ, एक्सपीरियंस करिए हमारे साथ क्या है। बाहर सर्विस कराने के लिए लाया हूँ, वरना मैं हमेशा टाटा से करूँ। वैसे ही मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं जिनके पास नई गाड़ी होती है, सर्विस साल खत्म हो जाता है, तो वो फिर भी वो कंपनी में जाके करवाते हैं और जो बचते हैं वो बाहर लोकल मैकेनिक पे जाते हैं। आपका सर्विस चार्जेस मैंने देखे हैं बहुत इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो आप कैसे कैसे बेटर हो बाकी लोकल मैकेनिक से और क्या रिकमेंड करें? जो है ना वो मैकेनिक है, हाँ, लेकिन ब्रांड है, ठीक है। इसमें जब कंपनी से आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है, देख क्या है हर चीज़ का आपको दिया जाएगा कि सर टायर के चार्ज लगेंगे आपको, फ्लैशिंग के चार्ज लगेंगे आपको, मतलब कि कुछ नहीं करना होता, लेबर चार्ज आपको बढ़ाना होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए वो मैकेनिक ब्रांड है, इसमें कुछ नहीं है, हर चीज़ का चार्ज दे रखा है। कंपनी कंपेरिजन जितने में कंपनी का लेबर चार्ज होता है उतने में बाहर हमारे गाड़ी की सर्विस हो जाती है। अच्छा, जैसे कि हमारी गाड़ी एक सर्विसिंग होती है बेसिक किलोमीटर गाड़ी, कोई गाड़ी हमारी चली समथिंग 5000 किलोमीटर, तो उसका एक पैकेज बना हुआ हमारे पास बेसिक सर्विस का, जिसके अंदर क्या करते हैं इंजन और ऑयल रिप्लेसमेंट करते हैं, वैक्यूम फिक्सिंग करते हैं और चारों में क्लीन करते हैं। अगर कस्टमर कहते हैं कि नहीं भाई सर्विस थोड़ी से बेटर होनी है, स्कैनिंग स्कैनिंग होनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं उसका पैकेज चेंज हो जाता है हमारा, उसमें क्या स्टैंडर्ड सर्विस आ जाती है हमारी। स्टैंडर्ड सर्विस के अंदर क्या होता है हमारा इंजन और ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट होता है, फुल बॉडी लुब्रिकेशन होती है, अंडर बॉडी लुब्रिकेशन होती है, 2 लुब्रिकेशन होती है हमारी, कार स्कैनिंग होती है, वैक्यूम वॉशिंग होती है, फ्रंट एंड रियर भी क्लीनिंग होते हैं। अच्छा, ठीक है सर। किलोमीटर के रिगार्डिंग हमारी जो भी सर्विसिंग होती है, आपने सर्विस कराते हो गाड़ी की कंपनी में, तो हमेशा जो सर्विस होती है किलोमीटर के हिसाब से होती है, 10,000 पे कुछ होता है, 20 पे कोई और चीज होती है, 40 पे कोई और चीज होती है। तो एक ब्रांड बना दिया है बेसिक पे, जो आप बनाएंगे जो बेसिक बनेगी आपकी समथिंग 10,000 किलोमीटर की। अच्छा, फिर जो आती है मेजर होती है आपकी 10,000 किलोमीटर पर। अच्छा, एक उससे मेजर होती है कॉम्प्रेंसिव। कॉम्प्रेंसिव में क्या होता है सारे फिल्टर उसमें इंक्लूड होते हैं, अलाइनमेंट वेल्डिंग इंक्लूड होती है, पैकेज सेम भी है। तो जैसे कि मेरा मैंने भी लिया है, इसमें इन्होंने ऑफर भी दिया था, तो व्हील बैलेंसिंग सब इंक्लूडेड है। तो मतलब आपका रिकमेंडेशन है की बाहर से कंपनी के बाद अगर आप कराना चाहते हो मैकेनिक से करा सकते हैं। और आप पेमेंट क्या किस किस मोड में आपके यहाँ, जिस पे भी आप लिंक दे सकते हैं वो मैकेनिक QR कोड दे सकते हैं, कार्ड मशीन है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। चलिए, तो फिर हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ। जी सर, वो मैकेनिक से देखते हैं कैसा रहता है। दिखाइए आप क्या क्या करते हैं आप। डीलर की सर्विस चार्ज 2850 रुपये यहाँ की, ठीक है सर। और हमारी सर्विस चार्ज सस्ती है, ठीक है, काम उतना ही होगा जितना डीलर करके देगा। हाँ, एक टाटा का, ठीक है, क्या उसमें कॉन्कॉर्ड हो, सागर मोटर हो, सब मोटर हो, ठीक है सर। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको
गाड़ी की कमियां बताऊं या आप कमियां बताओ, फिर मैं कुछ कमियां बताऊं। क्या हाल है, बुरा हाल लग रहा है मेरे को। चौक है सर, है ना, चौक है, चौक चौक। हाँ वो मैंने देख लिया। तो ये इन जैसे जितनी गाड़ियां हैं तो उसके लिए ये कैसे ऑयल है, मतलब आप क्या रिकमेंड? BS6 आ रही ना आपके, उनमें ये ऑयल इंपॉर्टेंट है, इनमें ये ऑयल है। बट ये BS4 है। हाँ इसमें चलते हैं। कहाँ पे वॉशिंग? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे गौतम भाई, इन्होंने गाड़ी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है और एक एक चीज़ को अच्छे से देख के ही और जो ज़रूरत है उसी पे ही काम करवाया है। और गौतम भाई पूरा गाड़ी आपके सबसे क्या पूरी सही हो गई है? हाँ सर पूरी सही है, आपकी गाड़ी भी बहुत किलोमीटर भी बहुत कम चली है। हाँ तो इसलिए उसमें जरूरत नहीं कुछ बेसिक बेसिक सर्विस सही थी आपके लिए, आपको कॉन्फ्रेंस जो होती है एयर स्टैंडर्ड उनकी जरूरत नहीं थी। बाकी जो जरूरत चीज़ होती है हम वही चीज़ करते हैं, ऐसे कोई एक्सप्लोर नहीं है। जैसे बाहर मैकेनिक होते हैं रोड वाले, वो क्या करते हैं थोड़े पैसों के लिए थोड़े उसके लिए कस्टमर को काटते हैं। बिल्कुल, कि जैसे कि इसमें सर ये ख़राब है वो ख़राब है, ये नहीं होता है, ये जेन्युइन चीज़ होती है, जेन्युइन पार्ट मिलते हैं सर। तो इसलिए मैं बोलूँगा जब भी आओ इनसे ज़रूर मिलना, ये भाई एक एक आपकी गाड़ी का हम बहुत अच्छे से कर देंगे। ठीक है गौतम भाई, ध्यान रखना सफर का। जी सर, चलो। यह गाड़ी का सर्विस तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी चीज़ आपने जो ऐप के थ्रू आया सारा चीज़ मैंने चेक कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मेजरली मुझे अच्छा लगा कि जो एक्सटीरियर पे भी पॉलिश लगा हुआ हुआ सारा काम जो हुआ वो जनरली मैंने इवन टाटा कंपनी में नहीं देखा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं एक्चुअली मैं रिकमेंड करूँगा सबको, डू ट्राई गो मैकेनिक एंड आपका वर्कशॉप नाम मोटर पंप इस पे आना है। आपको जगह कौन सी वो बता दो सर। ईश्वर मोटर गो मैकेनिक बिसरक यथार्थ नियर बाय सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा। मुझे आप बिल बता दीजिए कितना हुआ, मतलब एक तो मैंने जैसे कि मैंने पे कर रखा था 3700 कुछ, उसके ऊपर अभी कुछ चढ़ा है। मैंने जितना पेमेंट करा था कुछ 3000 कितना था, 3700 समथिंग था। जी सर 3799। 3799 पे किया, इसमें मेरी घर की गाड़ी सर्विस भी हुई, पॉलिश भी हो गया और प्लस आपने वो जो अपना कार स्कैनिंग भी हुई। चार घंटे सर्विस कराने के बाद थक गए थे,
के लिए वीडियो क्लोज करना भूल गए, तो मैंने ये फटाफट एक छोटा सा वीडियो सोचा बना दूँ और ये वीडियो क्लोज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। हमने अपनी तरफ से कोशिश किया आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर दिखाने की। तो आज की वीडियो थी गो मैकेनिक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। तो फिर से मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।